अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। नए दिन के साथ अभी 11 बज गए यार, और अभी मैं पहुंच गया हूँ होटल में। और मैं भाई 3-स्टार होटल में आ गया हूँ, क्योंकि वहां पे दूसरे होटल में ऑलरेडी 2 गाड़ियां खड़ी थी और यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं थी। ये राजी होटल, मैं हो रहा होटल के सामने। ओके, तो देखते हैं कब तक कोई गेस्ट मिलते हैं, कब तक निकलते हैं। स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं बाहर, कस्टमर से बात करते हैं, देखते हैं कस्टमर को ढूंढते हैं। चलो जी, आज का दिन स्टार्ट हो गया यार। 2 बजे मुझे ट्रिप मिला था, 40 दिरहम में मैं गेस्ट को लेके आया था डेरा सिटी सेंटर। इसी से बात कर लेता हूँ, इसने वापस तो जाना ही है। उसने कहा कि मुझे वापस जाना है, लेकिन घंटा एक लग जाएगा, मेरी मीटिंग है, उसके लिए मैं रुक गया था इधर ही। और अभी टाइम देख लो, 5:36 हो गए। उस टाइम से मैं उसका वेट कर रहा हूँ। 40 दिरहम का ट्रिप किया था और 40 दिरहम के लिए खड़ा हो गया हूँ कि वापसी भी जाएगा तो 40 दिरहम ही दे देगा। तो अभी तक वो गेस्ट ही नहीं आया। पहले तो मुझे ये था कि ये शायद आए ना, लेकिन अब उसने मैसेज कर दिया कि मैं वापस आ जाऊंगा, मैं आ रहा हूँ अभी, वापस निकल रहा हूँ मैं अभी आने के लिए, अब उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। साहब ने पूछा था कि पाकिस्तान के वीजे बंद हैं तो इंडिया के लग रहे हैं या नहीं। तो भाई इंडिया के वीजे कौन माइका लाल बंद कर सकता है, इंडिया के वीजे खुले हैं यार। सिर्फ ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वीजे ही बंद है, वरना इंडियंस के लिए सभी रास्ते खुले हैं भाई। इन्वेस्टमेंट करें, वीजे लें, जो भी करें, नहीं कि सिर्फ दुबई, पूरी पूरी दुनिया में यही हिसाब है, इंडियंस का कोई वीजा बंद नहीं कर सकता। जो ट्रुथ है वो ये। साहब ने मुझसे पूछा था उसामा का क्या बना, जो आपका ड्राइवर आया था उसके बारे में बताएं। तो उसामा का यार मैंने आपको बताया था ना कि मैंने किसी को वीजा दूंगा अपनी गाड़ी के ऊपर निकाल के, मुझे सिक्योरिटी देगा 5,000 की। तो भाई वही बात हुई थी, जैसे ही उसामा साहब आए थे तो उन्होंने कह दिया था कि यार मैंने ना जितने लोगों से भी सुना है तो काम बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर कहीं काम कर लूँ, मुझे जॉब भी मिल गई। और जॉब भी उनको कहाँ पे मिली, हमारी ही कंपनी में, हमारी ही कंपनी में, जो उन्होंने एक दूसरी कंपनी, एक दूसरी रेंट कार की कंपनी बनाई थी, उनको वहाँ पे जॉब मिल गई। तो जी उन्होंने वहाँ पे जॉब कर ली। वो आए थे मेरे पास पूछने के लिए कि यार आपने जो सिक्योरिटी ली थी उसका क्या करना। मैंने कहा भाई अगर मेरे साथ काम करते हो 2 साल तो आपको पैसे आपके एज इट वापस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप काम नहीं करते हो, और उन्होंने एक दिन भी मेरे साथ काम नहीं किया, जैसे ही उनका वीजा वगैरह लगा, उनकी सारी चीजें बनी, लाइसेंस उनका कन्वर्ट हुआ, आरटी कार्ड पता नहीं उन्होंने बनवाया या नहीं, उन्होंने मुझे पहले कह दिया था कि यार मुझे काम नहीं करना। तो मैंने कहा भाई वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, काम करोगे तो मिल जाएंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो वो भी गए, उसामा साहब भी अपनी, उनको जॉब मिल गई, तो वो कहीं और चले गए। एक और साहब ने पूछा हुआ था जी कि नोवाटेल और आईबीएस के जितने भी होटल हैं आप उन सब पे काम करते हैं। तो नहीं, जहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ हम वहीं पे अलाउड हैं काम करने के लिए। सिर्फ एक नोवाटेल और एक आईबीएस होटल है, 2 ही हैं सिर्फ, बस उधर ही काम कर सकते हैं, बाकी पूरे दुबई में जितने हैं वहां पे नहीं कर सकते। सिर्फ जहां पे आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो तो वहीं पे आप काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यार अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। उस टाइम का उस गेस्ट ने बोला हुआ अभी आया 6:43 पे भाई, अभी मैंने उसको छोड़ा होटल में और टोटल काम हो गया 80 दिरहम का। 40 मैंने उससे जाते वक्त लिए तो 40 अभी आते वक्त लिए, 80 दिरहम का काम हो गया। अभी मैं होटल में आया हूँ, अभी कोई गाड़ी नहीं है इधर होटल में भाई, देख लो ये खाली पड़ा हुआ होटल, ये एक वाली गाड़ियां हैं यहाँ पे कुछ। 7:15 का टाइम हो गया यार, जब मैं आया था उस टाइम से लेके कुछ भी नहीं मिला, और अब तो बंदा बशर भी नजर नहीं आ रहा। देख लो होटल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ यार, कोई चीज नहीं है इधर, देख लो होटल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है इधर। ऐसे लग रहा है कोई शेर ने यहाँ पे चक्कर लगाया है और सब लोग डर के भाग गए। तो मैंने ना भाई जो हालात है ना इस टाइम वो देख के तो यही सोचा कि भाई इज्जत से यहाँ से निकल जाऊँ, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वही जो ट्रिप हुआ, एक वो जाने का और एक आने का, उसी गेस्ट को लेके आया, बस उसी के साथ ही टाइम हो गया। तो 7:15 का टाइम, मेरी ड्यूटी ख़त्म, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो यही थी हमारी आज की वीडियो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एक साहब ने पूछा हुआ था मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो भाई आपको मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस लिखा होगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो ऐसे आप मुझे ईमेल लेके मुझे मेल कर दो तो मैं आपको अपना नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आने वाली नई वीडियोज के लिए देखते रहिए शहबाज हुसैन द वर्ल्ड, कीप वॉचिंग, खुदा हाफिज।